हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के सवाल बनेंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे पहला सवाल है कि हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज, ध्यान दीजिएगा, पहली महिला जज कौन बनी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ज्योति शर्मा को भारतीय सेना की पहली महिला जज बनाया गया है। दोस्तों भारतीय सेना में भी जज और एडवोकेट की एक अलग शाखा होती है। क्यों होती है? कि अगर भारतीय सेना को किसी भी कानूनी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो ये क्या करते हैं कि ये जो इनकी एक अलग शाखा है जज और एडवोकेट की, ये उन्हें मदद प्रदान करते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा दोस्तों सवाल है कि हाल ही में टाइगर ट्रंप नामक त्रिसेवा युद्ध अभ्यास, दोस्तों ये त्रिसेवा युद्ध अभ्यास है और इसका नाम है टाइगर ट्रंप, पूछ रहा है कि कहां पर प्रारंभ हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हुआ है आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशाखापट्टनम में टाइगर ट्रंप नामक त्रिसेवा युद्ध अभ्यास चल रहा है। किनके किनके बीच में चल रहा है? भारत और अमेरिका की सेना के बीच में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में जो रिश्ता है, जो एक तालमेल है वो बना रहे और दोनों के बीच एक बेहतरीन संबंध बना रहा है। दोस्तों इस अभ्यास में, ये अभ्यास आपको आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो रहा है, जिसमें आपको भारतीय सेना के, भारतीय जल सेना, थल सेना और वायु सेना के लगभग 1200 जवान और अमेरिका के 500 अमेरिकी जवान इसमें शामिल हैं, ठीक है। और ये सैन्य अभ्यास 13 से लेकर के 21 नवंबर तक होगा। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों यही है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक अच्छा रिश्ता बना रहे, एक तालमेल बना रहे, और ये भारत और अमेरिका के जवानों के बीच में अभ्यास चल रहा है, 13 से 21 नवंबर तक चलेगा और ये कर आपको विशाखापट्टनम में हो रहा है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो ये तो क्लियर हो गया आपका। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब अगला सवाल है कि हाल ही में यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार किस देश में निमोनिया के कारण मरने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। दोस्तों ये रोग एक महामारी की तरह फैल रहा है और सबसे ज़्यादा किस देश में निमोनिया के कारण बच्चे मर रहे हैं? तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा दोस्तों मौत हो रही है निमोनिया के कारण। दोस्तों निमोनिया ज़्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों को, उनके फेफड़ों को और लंग्स को प्रभावित करता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में जन्म के पहले महीने में ही, 2018 के दोस्तों ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, जिसमें जन्म के पहले महीने में ही 1,53,000 बच्चों की मृत्यु केवल निमोनिया से हो गई, ठीक है। और निमोनिया जो होता है दोस्तों वो बैक्टीरिया, वायरस और कवक, इन तीनों के संक्रमण से दोस्तों होता है। और एक और बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें हर 39 सेकेंड में एक बच्चे की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है और सबसे ज़्यादा मौत नाइजीरिया में हो रही है। और भारत भी दोस्तों इसमें पीछे नहीं है, भारत का स्थान इसमें दूसरा है, दूसरे नंबर पर भारत है। नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा लगभग 1,62,000 बच्चे की मृत्यु केवल निमोनिया से हुई, भारत में जबकि 1,27,000 बच्चे की मृत्यु निमोनिया के कारण हुई। और दोस्तों इसीलिए यूनिसेफ ने स्पष्ट तौर पे इसको महामारी के तौर पे चेताया है और सभी देशों को इसके प्रति जागरूक होकर और इस पर विचार करने की बात की है। तो दोस्तों 5 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चों की मौत होती है उसमें लगभग 15% मौत का जो जिम्मेदार होता है वो अकेले निमोनिया होता है। ये ज़्यादातर दोस्तों ये जो रोग है वो छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। और अगर बात की जाए, ये रिपोर्ट जो है दोस्तों वो यूनिसेफ की रिपोर्ट है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि निमोनिया के कारण सबसे ज़्यादा मौत नाइजीरिया में होती है और भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों अगला सवाल है कि हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार सबसे गंदा पानी किस शहर का है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली का जो पानी है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा गंदा पाया गया। इंडिया के लगभग 21 शहरों के वाटर सैंपल की जाँच की गई है और केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता जो मंत्री हैं रामविलास पासवान, उन्होंने शनिवार को वाटर क्वालिटी की रैंकिंग जारी की, जिसमें पाया गया कि दिल्ली की पानी सबसे गंदी क्वालिटी की पानी है। जबकि इसी रिपोर्ट में दोस्तों
पहले नंबर पे मुंबई रहा। मुंबई की पानी, जो पानी की क्वालिटी है वो सबसे अच्छी पाई गई, पानी की गुणवत्ता सबसे अच्छी पाई गई, जबकि दिल्ली की सबसे गंदी पाई गई। पानी दोस्तों, पानी की गुणवत्ता जो होती है वो लगभग 10 मानकों पर की गई थी, जिसमें ये चेक किया जाता है उसमें हैवी मेटल या ख़तरनाक मेटल कितनी ज़्यादा मात्रा में है, उसमें केमिकल कितनी ज़्यादा मात्रा में, ये सब चेक किया जाता है। और लगभग 21 शहरों का वाटर सैंपल टेस्ट किया गया था, और उसमें सबसे गंदा जो पानी था निकला दिल्ली का। मुंबई का सबसे अच्छा गुणवत्ता का निकला। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सबसे गंदा पानी दिल्ली का है और सबसे साफ पानी जो है वो मुंबई का है। अब यहाँ पे अगला सवाल दोस्तों जो है वो है कबड्डी विश्व कप 2019 की मेज़बानी इस बार कौन सा देश करने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा भारत, यानी कि भारत इस बार दोस्तों कबड्डी विश्व कप 2019 की मेज़बानी करेगा। 1 से 9 दिसंबर तक होने वाले कबड्डी विश्व कप 2019 की मेज़बानी भारत की पंजाब सरकार करने वाली है, और इस टूर्नामेंट में दुनिया के 9 देश हिस्सा लेंगे। भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, केन्या, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, और इसकी मेज़बानी इस बार भारत करेगा, भारत की पंजाब सरकार करने वाली है। तो ये तो दोस्तों आपका क्लियर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में सैंडविक उत्सव, इसको ध्यान रखिएगा, सैंडविक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इस बार सैंडविक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं YS जगमोहन रेड्डी, उन्होंने 14 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक सैंडविक समारोह आयोजित करने का निर्देश दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।